हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। पानी भरना स्टार्ट हो गया। मेरे साथ तो इतना खराब हो गया ना, मेरी नई गाड़ी का टायर फट गया। तो भाइयों हम दोनों रेडी है चश्मा पहन के, अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अंगूर लेने जा रहे हैं। और ये भी आ रहा है, ये वाला पहनो पहनो चश्मा पहनो। क्या बात है यार, ये तो बाबू कितना मस्त है। अरे बाप रे बाप, क्या स्टाइल है देखो बाबू का। ये बाबू राव का स्टाइल है। गुड मॉर्निंग जी, बैग लेके ही मिली हूँ आपसे क्योंकि हम जा रहे हैं करजत, एक बड़ा ही अच्छा फार्म हाउस है। अभी एक हफ्ते की छुट्टियां हैं तो 2-3 दिन वहां जाके रहेंगे। घर वाले तो बोला ही है, तैयार होके नीचे पहुंच भी गए। खचा खच, ऐसे लग रहा है कि हम शिफ्ट होने जा रहे हैं क्योंकि हम 2 दिन के लिए जाते हैं लेकिन हमारा सामान इतना होता है, ऐसे लगता है शिफ्ट होने जा रहे हैं। बाबू याद रहे पुष्पा। हम पहुंचने वाले हैं करजत, बट हर्ष पीछे है तो उसका वेट कर रहे हैं हम। है ना गोले? इंद्रदेव लगता है बहुत खुश है, या वो चाहते थे कि आप लोग मुंह उठा के निकल गए हो बारिश में, घर बैठो। या फिर खुश है, मतलब दादा कहने का मतलब कि मुंबई में बारिशें शुरू हो गई। हो गई भाई, सो थोड़ी गर्मी भी कम हुई है। और ऐसा है कि जो मैं पहले बार बार बोलती थी कि अपने घर के बाहर पानी रखो पंछियों के लिए, वो अब चाहे ना रखो क्योंकि उनको मिल गया पंछियों को पानी बहुत। अब तो भाई नहाते होंगे, नंगे होंगे सारे कौवे पंख ऊपर कर कर के। कौवे पानी पानी, कहाँ से आया पानी? भगवान ने बरसाया, पानी भर चुका है। ओह नो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, यार पानी भरना स्टार्ट हो गया। Hours later. तो चलिए जी, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। थोड़ी दूर लगी मुझे और बस कुछ नहीं, बहुत थक गए, आके सो गए थे, वीडियो कुछ बना ही नहीं सकी। बट मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ। लेकिन रास्ते में इतनी बारिश हुई कि मतलब गाड़ी जितने स्पीड पे होती उसे हमें थोड़ी कम करनी पड़ी क्योंकि वाइपर्स भी वर्क नहीं कर रहे थे, इतनी बारिश थी कि कितने वो पानी साफ़ करें। तो कहते हैं ये नदियाँ हैं, यहाँ पे साफ पानी आता, नदी है बट अभी बारिश की वजह से मिट्टी वाला पानी आ रहा है। ये देखो गोले ने पूरा आतंक मचाया हुआ है, वो 2 घंटे गाड़ी में सो गया था लेकिन अभी वो जाग रहा है और उसने पूरे घर को जगाया हुआ। मैं तो भाई सो गई थी, तो बंद नहीं करा। ये रीले बन गई, क्या रील बना रही है? हे भगवान, व्लॉग बना रही हूँ तुम्हारी मस्ती का। नहीं करो। बुरा आ गया, बुरा बुरा कैसा है, क्या है?
क्या चाहिए? क्या हुआ, थक गए? गोले ने दीक्षा की वाट लगाई हुई है, सब सो रहे हैं। इस गद्दे में बैठ तो गई, मुझे पता नहीं इस पे मेरा वेट सहेगा कि नहीं। ओह नो, बहुत ज्यादा दीक्षा की हालत खराब कर रहा था, बताइए। पजामा ऊपर कर दो। आदमी लोगों को कुछ नहीं पता होता कि बच्चा गीला हो रहा है, पैर ऊपर कर दिया। आजा 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 ले आजा आजा। रोहित सराफ के साथ तुम्हारा फिर जो व्लॉग आया है, तो लोगों ने तुम्हें मैसेज किए? लोगों ने मैसेज किए, कमेंट्स करे, मैंने रीड करे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे सबने। ऐसे तो नहीं बोला कि हम उसे प्यार करती हैं, ये कौन आ गई? नहीं नहीं, ऐसा किसी किसी ने बोला। दीदी वो रोहित सराफ के साथ, रोहित सराफ के साथ जोड़ी अच्छा था दीक्षा का? तू ड्रीम वाली है, मैं ख्वाब वाला हूँ, तू स्क्रीन वाली है, मैं किताब वाला हूँ। तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं कहा फोन करके? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं। मतलब अगर वो हाँ बोलता है तो तुम्हारी तरफ से हाँ है? हाँ हाँ है, नानी ने हाँ बोल दी है, नानी कितनी हमें मंजूर है। लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो, उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर। तो मतलब नानी ने बोल दिया, मम्मी का फिर कुछ नहीं? हाँ, मैं नहीं, नानी ने बोल दिया तो फिर क्या करना। तो मतलब तू भी चाहती है? हाँ, मैं कर लूंगी फिर अगर वो चाहता है तो। बहुत रोहित सराफ थोड़ा ऐसा ही लगा, बहुत अच्छा लड़का। शरारती देखी हर्ष, मुझे लगता है दूसरा करना चाहिए। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। रोहित सराफ को पता चल गया ना, दीक्षा तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाएगी, समझे? गोले गोले ऐसा कुर्ता पजामा पहन के बच्चा बना हुआ है, पर जरा भी संस्कारी नहीं है, बताइए। तेरे पे गया है, और ये देखो ये कांच तोड़ेगा। बुरू 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 इधर आ, बुरू इधर से जा नहीं सकते हम लोग, उधर से जाएंगे। यार कैसे खाने पे ध्यान है इसका हर्ष, ये भी बाहर आके ढीठ हो जाता, सुनता ही नहीं है। यार ये थोड़ा बंगलो ना उदासी उदासी वाला है, थोड़ा हैपनिंग नहीं है, थोड़ा उदासी है। जो सही है सही है, वो मतलब कमरे भी बहुत ज़्यादा है, दूर दूर है सब, और उदासी उदासी है। जल्दी चले जाएंगे यहाँ से, हर्ष को बोल दीजिए। क्या हुआ? हाथी राजा सो रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर सोई थी, बट मैं उठ गई अभी किचन में, देखते क्या हो रहा है। नमस्ते मनीषा मैम। नमस्ते। आज डिनर आपने बनाया है? हाँ। कि मैडम आपने? अरे मैम, अपने आपने अपने आप को पकड़ा हुआ है। ओह नो। इतनी पतली है गाजर जितनी, और ये पक्का बीच में से ऐसे आया होगा कि मुझे कुछ नींबू चाहिए या ककड़ी चाहिए। नहीं, मैं हाथ धोने आया था, मैंने खाया, थोड़ा सा टेस्ट किया, बड़ा अच्छा खाना बना है। लड़का पसंद है? हैं? अच्छा, वो भी बैठी हुई देख रही है। चलिए जी, खाना हमने खा लिया, शक्ल के 12 बज गए। पता नहीं इस विला में आके इतनी नींद आ रही है, जिस जगह बैठो सारे ही सो जाते हैं। तुम सुनिए, आ रही नींद? बड़ी नींद आई मेनु ते। क्यों? इतनी नींद मेनु कभी आई नहीं सी। हिंदी 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 इतनी नींद मुझे कभी आई नहीं, पर उनको भी हिंदी समझ आती है। हां, पर इतनी नींद मुझे कभी आती नहीं थी, आज बड़ी नींद अच्छी आई मेरे को। ओके चिन्ह प्यारी, तुम क्या कहोगी? हमको भी तुम्हारा सफर सफर कैसा रहा? तुम तो मस्त लेट के आई पीछे, हैं? नींद आ रही है ना? So, ये चिन्ह प्यारी है, चिन्ह प्यारी मेरी मम्मी ने नाम रखा है, डांस दीवाने देखकर। वहाँ पे अपना जो नितिन था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था चिन्ह प्यारी, तो इसका नाम चिन्ह प्यारी रख दिया हमने। यही बेचारी कहती मुझे भी नींद आ रही है, सो जा फिर जल्दी तू भी। रोहित श्रॉफ ये देखो कैसे हड्डियाँ खा रही है, रोहित श्रॉफ
ये देखो ये वही लड़की है जो तुम्हारे सामने आई नाल स्टाइल आई तेल वाले हाथ से बाल पीछे कर लिए इसने। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ये सांप था जिससे मेरे बाल। सो रोहित श्राफ के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो जेंजी जो अभी उठी है? पर उसने दीक्षा को पसंद कर लिया, तेरे को चलेगा? पर अगर वो तेरे को कहता कि आई लाइक यू, नहीं? तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है? जॉन सीना रेसलिंग वाला? कैसे पूंडी बनी हुई है सो सो के, क्यों इशू? दवाई से क्या, और जाओ गोवा हमें छोड़ के। रोहित श्राफ देख लो, फिर हड्डी खा रही थी इसने खीरा पकड़ लिया। तू जितनी मर्जी हड्डियां खा ले, तू हड्डी ही रहना। चावल नहीं खाता मुन्ना? क्यों मुन्ना? 7 बजे 7:30 बजे खाना खा लेते ऑफिस के नॉर्मल टाइम पे है मुन्ना। शाम को क्या बात कर रहा है? इसके लिए तो थोड़ा पेट गर्म हो गया मेरा। सुना तूने भाई, तेरी बातों का किसी पे तो असर हुआ मुन्ना पे? मुन्ना 7:30 बजे डिनर कर लेता है। बहुत बढ़िया मुन्ना। देख मुन्ना, ये सब एक्टर लोग के काम है, तेरे सब मेहनत करने वाला आदमी 7 बजे खाना खाएगा और तेरे रात को 11 बजे तक 12 बजे तक कैसे काम करेगा? नहीं वो कर लेता हूँ। इसमें घबरा क्यों रहा है? अच्छा लगता है ना मुन्ना पर, जल्दी खा लो तो फ्रेश फील होता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, नींद अच्छा आता है। कम चिकन खाना था ना, वो तीनों से निकाल रही है। रोहित श्राफ, रोहित श्राफ क्या हो गया? ये 3 पीले खराब किए इसने रोहित श्राफ। ओह नो, पीले दिखा रोहित श्राफ, पीले दिखा है यार। वो नॉर्मल है, रोहित श्राफ के भी दांत में चिकन फंसता होगा। बर्फीला भालू अपनी नानी के कमरे में जाके, ऊपर जाओ ना, आपका रूम ऊपर है, नानी के साथ की चिमड़ी हुई है। आवाज सुनाई खुजली की? ये मजबूर हैं पर आप नहीं। हमारे घर के बच्चे इतने बेशर्म है ना दोस्तों, खुजली की आवाज सुनाई। ये नहीं तो आपने तो बोला कुछ लेके आवाज सुना। जेंजी ऐसे बेशर्म होते हैं? हाँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। खत्म हो गई मेरी बात ही, खत्म हो गई। चलिए जी, टेढ़ी टांगों के साथ और रोहित श्राफ के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। पता नहीं इस विला में क्या है भाई, नींद ही आई जा रही है। और ठीक है, मतलब ठीक है, इतना भी कोई वाव नहीं है। मेरे साथ तो ठीक है, मेरे साथ तो इतना खराब हो गया ना, मेरी नई गाड़ी का टायर फट गया, फट नहीं कट गया, नई गाड़ी का। अब मैं क्या करूं, मेरे को नया टायर लेना पड़ेगा। नई मर्सिडीज का टायर कैसे फट सकता है यार, कट कैसे सकता है? रोहित श्राफ बता, रोहित श्राफ इशारा कर रही थी कुछ। सो बट ये ठीक है विला, बस इस विला के लिए मैं थैंक यू अंशुमा और संजना को कहना चाहूँगी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, अब तो मर्सिडीज़ों के टायर भी फटने लग गए। अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब हम फटेंगे, है ना हर्ष? और क्या, ठीक है। कैसा लंबा घर है, ऐसा लगा चौल में रह रहे हैं हम। पुष्पा, कितनी शांत है। उसको इधर पे नहीं, इसको इधर दिखा, बोलना नहीं पर।